उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तो पहली कैबिनेट बैठक में महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के बाद से अब तक प्रदेश में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मामला हापुड़ का है, जहां पर महिला सुरक्षा को एक तरीके से धता यहाँ की पुलिस बता रही है। पुलिस खुद महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम है। विशेष पर हमारी खास रिपोर्ट। दो पक्षों के बीच जमकर बवाल, बवाल की वजह नाबालिग से छेड़छाड़, छेड़छाड़ के बाद इलाके में तनाव। नारी सुरक्षा का ढोंग करने वाली हापुड़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है। आए दिन हापुड़ में महिलाओं के साथ अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस अपराध रोकना तो दूर, महिलाओं को सुरक्षा तक देने में नाकाम साबित हो रही है। मामला हापुड़ कोतवाली के नंगोला हैदरनगर का है, जहां एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के बाद दो समुदायों में जमकर बवाल हुआ। दोनों तरफ से लाठी डंडे समेत धारदार हथियारों से एक दूसरे पर वार करने के साथ पथराव भी किया गया। पथराव और हमले में आधा दर्जन से ज्यादा अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। तो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। तो फिर तुमने घर पे आके बताई? हाँ जी। फिर क्या हुआ? क्या हुआ, हमने मम्मी से की। फिर मम्मी गई। तो अब जो है लोगों ने मारपीट की है, तो उसमें क्या हुआ, कितने लोग थे? बहुत लोग है। अच्छा, किसके चोट आई है? पापा के, मम्मी के, और भी आई है लोगों के। एक नाबालिग छात्रा से दूसरे समुदाय के एक लड़के ने स्कूल में छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिसका पीड़िता के विरोध करने पर भी आरोपी युवक नहीं माना, जिसके बाद पीड़िता ने घर आकर अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन गांव के ही युवक के घर शिकायत लेकर पहुंचे, तो मानो आरोपी युवक के परिजन बवाल के मूड में पहले से ही बैठे थे। लड़की के साथ बदतमीजी करी स्कूल में, जो हमने कहा तो हमारे घर पे आके उन्होंने डंडे वंडे बजाए। डंडे वंडे बजाए, कितने लोग घायल हैं? दो तीन घायल मेरे लगे हुए, जो अस्पताल में भर्ती है। तो जब आपने जो ना शिकायत नहीं करी क्या पुलिस से, जब सुबह बदतमीजी हुई थी? पता नहीं इन्होंने क्या करा क्या। वहीं बढ़ते बवाल को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप के बाद मामले को निपटा लिया है, लेकिन शांति अभी भी नहीं बरकरार हो पाई है। पक्षों में बच्चों की आपस में छेड़खानी लेकर के झगड़ा लड़ाई हो गई थी, मामूली झगड़ा लड़ाई थी। हम लोग पहुंच के मामले को हैंडल किए और शांति व्यवस्था कायम है। दो चार लोगों को पकड़ के थाने लाया गया है, पूछताछ जारी है, जो भी हो वैधानिक कार्रवाई करके। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी युवक पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद देर रात में जमकर एक बार फिर से बवाल हुआ। इस दौरान करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें दो की हालत गंभीर है। दुकान में सामान लेने गया, खामो का मेरे में ईंट मार दी पल्ली तरफ ने। ईंट कैसे लगी? ईंट आप लड़ाई में थे? नहीं, मैं तो दुकान में सामान लेने गया जी। अच्छा, इन लोगों ने मारी, क्या हुआ? मैं दुकान पे गया था, मैं सामान लेने गया, अब लड़ाई हो रही जी। रोने लगी और अपनी मम्मी से कहने लगी, उसके भाई से कहने लगे नो हमारी बुक दिवा दे। तो उन्होंने गलत सोचा, आइस मारे ना, उन्होंने अपनी मम्मी को बुला के ले गए और बजवाने लग गए उस लड़की में गन्ने बजाए। अच्छा, आपके सिर में क्या लगा ये? ईंट। अच्छा, यहाँ पथराव हुआ था? हाँ, मैं तो दीवार के नीचे खड़ी थी। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। देखना ये होगा कि छेड़छाड़ को लेकर इलाके में तनाव कब तक बना रहता है और कब इस मामले को शांत करने में पुलिस कामयाब हो पाती है। हापुड़ से टीवी 100 के लिए विजय की रिपोर्ट। 17 साल पहले एक राज्य का अस्तित्व सामने आया था और उस राज्य को हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। 17 साल में 70,000 सपने राज्य के हर गांव को यहां की सरकारों ने दिखाए, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से ये गांव आज भी महरूम है। चंपावत के चक्कू गांव की भी हालत कुछ ऐसी है, जहां पर सड़क ना होने से लोग परेशान थे, लेकिन एक रिटायर फौजी ने गांव के युवाओं को रास्ता दिखाया और साथ मिलकर खुद सड़क बनाने की धुन ठान ली। दरअसल ये युवा मजदूर नहीं है, ये चक्कू गांव के सामान्य युवा हैं, जो प्रशासन की बेरुखी से तंग आकर खुद ही सड़क बनाने में जुट गए हैं। बता दें कि गांव के ही एक रिटायर फौजी ने गांव में सड़क बनाने की ठान ली। फिर क्या था, गांव के युवाओं को उसने हाथ बटाने को कहा, लिहाजा खुद गांव के युवा पूरे जोश के साथ इस काम में लग गए। तो यह हो रही है कि यहाँ का जो रास्ता है काफी छोटा सा रह गया है,
यहाँ हमने कितनी बार ग्राम प्रधान यहाँ पर हमारे पास जिला पंचायत सदस्य भी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, उनको कितनी बार हमने यहाँ की समस्या के लिए अवगत कराया लेकिन किसी ने भी यहाँ की सुध नहीं ली। पहली दिक्कत तो हमारी ये है कि रास्ता बिल्कुल सकरा हो गया है, तो पिछले 2 महीने से यहाँ के जो भी युवा हैं वो हर संडे को अपना श्रमदान करते हैं, इवन हमारे बच्चे भी लगे हैं हमारा सपोर्ट करते हैं वो लोग। कई महीनों से गांव वाले सड़क बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर गांव वाले खुद ही बदहाल सड़क को ठीक करने का बीड़ा उठा बैठे, और करते भी तो क्या करते, कब तक सड़क बनने का इंतजार करते। पूरा गांव इस समस्या से तंग आ गया था। बताया जा रहा है कि सड़क के लिए बजट तो पास हो गया है लेकिन गांव के लोगों की ओर से NOC न मिलने से सड़क का काम नहीं हो पा रहा है। इस बार की 2017-18 की जिला योजना में एक जिलाधिकारी कार्यालय से डोंगरा सिटी तक 25 लाख रुपए इसमें धर्म मुक्त हो चुका है जो कि मेरे द्वारा स्वीकृत कराया गया, और दूसरा 10 लाख रुपए जिला पंचायत द्वारा यहां पर बहादुर सिंह मेहता जी के मकान से डोंगरा सिटी तक 2 रोडा यहां पर स्वीकृत हो चुकी हैं। सिर्फ हमारे सामने दिक्कत ये आ रही है कि यहां पर हमें NOC गाँव के द्वारा गाँव वासियों की जो जमीन की NOC हमें नहीं मिल पा रही है, जिस कारण विभाग यहाँ पर काम नहीं करा पा रहा है। मामला जो भी हो पर प्रशासन की इस तरह की बेरुखी निश्चित तौर पर निंदनीय है। हमारे सामने दशरथ मांझी जैसे कई उदाहरण हैं, जिन्होंने व्यवस्था से तंग आकर खुद ही इस तरीके के काम करने के बीड़े उठाए हैं। चंपावत से TV100 के लिए सूरज बोहरा की रिपोर्ट। रुड़की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए वाहन चोर गिरोह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों तक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक थे सक्रिय। सैकड़ों चोरी की वारदात को दे चुके हैं अंजाम। पकड़े गए इन चोरों के गिरोह को देखिए, ये अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह है जो कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हरिद्वार SSP के आदेश के बाद वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की एक टीम को गठित किया गया था, जिसने वाहन चोर गिरोह को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की। इसी क्रम में पुलिस टीम ने रुड़की के नए पुल नेहरू स्टेडियम पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की बाइक पर 3 युवकों को पकड़ा। जब उक्त युवकों से वाहन के कागजात मांगे गए तो वो आनाकानी करने लगे। पुलिस को शक हुआ और पुलिस तीनों को रुड़की कोतवाली ले आई, जहां गहनता से तीनों से पूछताछ की गई। बहरहाल चोरों से जब पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाली वारदातें सामने आई। पुलिस के अनुसार तीनों युवक बेहद शातिर किस्म के हैं और कई राज्यों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस की माने तो ये आरोपी चोरी की गई वाहन का नंबर बदलकर उसे दूसरे राज्यों में बेच दिया करते थे। पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। वाहन चेकिंग के दौरान 3 लड़कों को एक बाइक पर पकड़ा गया। इस बाइक में कोई नंबर प्लेट नहीं था। उनसे पूछताछ की गई, कोई कागज नहीं दिखा पाया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि ये वाहन कहीं चोरी का है। थाने ले आकर उनसे पूछताछ की गई, उसमें उन्होंने बताया कि वाहन चोरी का है और इसके अलावा हमने 5 बाइक और चोरी की है। वो 5 बाइक इन्होंने बरामद कराई, एक इंजन भी इन्होंने बाइक का इंजन भी बरामद कराया, उसके बाकी सामान सभी दे चुके हैं। बहरहाल रुड़की पुलिस को बड़ी कामयाबी तो मिली है। चोरों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल तो भेज दिया है, पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस तरह के अभियान हमेशा चलाए जा सकते हैं ताकि लोगों को इस तरह की चोरी की वारदातों से राहत मिल सके और वाहन चोरी की घटना में कमी आए। रुड़की से TV100 के लिए अनिल की रिपोर्ट। इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, मानो इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ताजा मामला रुड़की का है, जहां मेडिकल स्टोर्स में नकली दवाएं बेचे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए इस मामले पर पूरी रिपोर्ट।
रुड़की में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं में भारी लापरवाही बरती जा रही है, फिर सरकारी फर्म हो या प्राइवेट, शायद यही कारण है कि रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और नियमों की अनदेखी करने वालों पर नकेल भी कसा गया। बता दें कि शहर ने कई मेडिकल स्टोर वाले के खिलाफ नकली दवाई बेचने की सूचना मिली थी, जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने दो मेडिकल स्टोर्स के मालिकों को पुलिस के हवाले कर दिया। एटलीस्ट ये मेडिकल स्टोर जो जहाँ जहाँ चेक हुए हैं, इनके यहाँ से जो लीगल कार्रवाई होगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो बड़ी एजेंसी है यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी है, उनके पास भी आप बड़ी एजेंसी में तब तक पहुंच पाएंगे जब ये लिंक एस्टेब्लिश करके दें। जब ये लिंक एस्टेब्लिश नहीं करके दे रहे हैं कि हम कहाँ से परचेज करके लाए, तो फिर एक्यूज तो यही हुए। दरअसल रुड़की में लंबे समय से नामी कंपनी की नकली दवाइयां बेचे जाने की खबर थी, जिसके बाद कंपनी के मालिकों ने इसकी शिकायत की थी। तब जाकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद किए गए। मेडिसिन है गुड सेफ 200, इसकी काफी शिकायतें थी, तो उसके ऊपर हम सर्वे करा के उसको रेड करते हैं, और आज यहाँ दो दुकानों के पास नकली दवा मिली। एक कब बंद कर दी? के पास कोई भी नहीं है, ये कंपनी ने जुलाई में बंद कर दी थी दवा, उसके बाद नई पैकिंग। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन यहां जो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह से इंसानी जिंदगी से खेला जा सकता है? क्या इंसानों की जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है? कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब शायद हम में से किसी के पास नहीं है। यहाँ तो पैसे कमाने के अंधी दौड़ में लोग मरीजों को नकली बेचने से भी नहीं कतराते। बेहतर स्वास्थ्य विभाग इस तरह की कार्रवाई समय समय पर करते रहे ताकि इसको रोका जा सके। रुड़की से टीवी 100 के लिए अनिल की रिपोर्ट। फतेहपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब पत्नी की पति की हत्यारे निकली। पुलिस ने अपनी जांच में खुलासा करते हुए पत्नी के साथ उसके पति को गिरफ्तार किया है। घर के चौखट पर बिलख रही मां का लाल अब इस दुनिया में नहीं है। इसके लाल की हत्या किसी और ने नहीं, उसके हमसफर कही जाने वाली उसकी पत्नी ने ही किया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए पत्नी निधि यादव अपनी प्रेमी के साथ इस वारदात को तब अंजाम दिया जब उसका पति सुरेंद्र यादव गहरी नींद में सोया था। फिर मौका पाकर आरोपी पत्नी निधि यादव ने सुरेंद्र यादव की गला दबाकर हत्या कर दी। एक हत्या हुई थी जिसमें घर के अंदर पति पत्नी सोए हुए थे और पत्नी के अनुसार तीन लोग घुस आए थे घर में और उसको बांध दिया था और पति की हत्या कर दी थी। इस संबंध में विवेचना से ये बात स्पष्ट हो गई है कि हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। वाक्या फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के ठाकुर दीन का पुरवा गांव का है, जहां सुरेंद्र यादव की शादी 4 साल पहले निधि यादव के साथ हुई थी, जिसके बाद से पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव रहता था। इसी तनाव के बीच सुरेंद्र गुजरात चला गया और जब गुजरात से लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी, क्योंकि हत्यारण पत्नी मायके अपने प्रेमी संग इश्क फरमा रही थी। सुरेंद्र को इस बारे में कुछ पता चलता उसके पहले ही निधि ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस खौफनाक खेल का खाका तैयार कर अंजाम देकर ऐसे रो रही थी जैसे मानो ये कुछ जानती ही ना हो। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस ने जांच में पाया कि पत्नी और उसका प्रेमी सर्वेश दोषी है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये प्रेमी इसका थाना कल्याणपुर क्षेत्र का रहने वाला है और शादी से पहले से ही इससे आना जाना और संबंध था, उसी के चलते ये हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस राहत की सांस ले रही है, लेकिन जिस तरह से पत्नी ने रिश्ते का कत्ल करते हुए अपने पति की हत्या कर दी, उसके बाद से मानो रिश्ते से भरोसा ही उठ गया हो।
फतेहपुर से टीवी 100 के लिए मुमताज की रिपोर्ट। जसपुर में अचानक मौसम बदल गया है। बढ़ती सर्दी के साथ शहर में कोहरे समेत तमाम तरह की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहां पर रोजमर्रा के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विशेष पर हमारी खास रिपोर्ट। लगातार बढ़ रही है सर्दी, कोहरे की चादर पूरे शहर ने ओढ़ी, रफ्तार पर लगा ब्रेक, जनजीवन पर पड़ रहा है गहरा असर। प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम। नवंबर महीने के शुरू होने के साथ ही सर्दी दस्तक देने लगती है, यानी जब गुनगुनी धूप प्यारी लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सर्दी अब अपने पूरे वजूद के साथ शहर में दाखिल हो चुकी है। जसपुर का भी मौसम बहुत बदल गया है। दो दिन से लगातार चल रही शीत लहर के बाद आज कड़ाके की सर्दी ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। ऐसे में पूरा शहर कोहरे से लिपटा पड़ा है। धुंध का रूप दिनों दिन खौफनाक होता जा रहा है। गाड़ियों से लेकर कामगारों तक को चलने में काफी परेशानी हो रही है। सच में सर्दी जितनी खूबसूरत होती है उतनी बेरहम भी। इससे सबसे अधिक परेशानी गरीबों और मजबूरों को झेलनी पड़ती है। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए इस कड़ाके की ठंड में भी ठिठुरते हुए काम करना पड़ता है। कहते हैं कि पेट कभी किसी की नहीं सुनता, तो सर्दी हो या गर्मी, मजबूरों की तो यही मजबूरी होती है। ऐसे में मौसम के कारण लगातार बढ़ती इन समस्याओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन क्या कदम उठा रहा है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। लिहाजा रैन बसेरा से लेकर अलाव जलाने तक की व्यवस्था प्रशासन को देखनी चाहिए। गरीबों को कंबल समेत तमाम चीजें उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि इनकी जिंदगी आसान हो सके। देखिए, एक तो हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा जिला अस्पताल है वहाँ पर रैन बसेरे का प्रबंध किया है। अभी मैंने स्वयं निरीक्षण किया था उसका, उसमें हम लोगों ने 20 लोगों हम लोगों ने वहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई है। और जसपुर शहर के अंतर्गत हमने कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पर हम लोग रात को आज रात से हम उसमें आग की व्यवस्था करेंगे, जिससे मतलब लोगों को थोड़ा ठंड से राहत मिले। इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा जो भी व्यवस्था हम करवा सकते हैं हम करवा रहे हैं। और अगर इस तरह कोई भी अगर कोई घटना घटित होगी तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सर्दी अभी और बढ़ेगी, इससे होने वाली समस्या से लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। पर उम्मीद है कि प्रशासन गरीब और मजदूरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कुछ उपाय करेगा ताकि इन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। टीवी 100 के लिए जसपुर से आलम रजा की रिपोर्ट। खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें।